नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके किट्टू टिफिन में। और आज हम बनाएंगे एग फ्राइड राइस की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है थोड़ा कटा हुआ टमाटर, थोड़े कटे हुए प्याज, थोड़े से हरे मटर, फ्रोजन वाले कॉर्न, थोड़ा सा हरा धनिया, और साथ ही हमने लिया है बारीक कटे हुए हरी मिर्च, अदरक और लहसुन के कुछ टुकड़े। साथ ही हमने लिया है 2 कप उबले हुए चावल। मसाले में हमने लिया है ये थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये आ गया हमारा नमक, ये डार्क सोया सॉस, ये आ गया हमारा विनेगर और 2 अंडे। किसी भी मनपसंद की सब्जी के साथ आप इसे फ्राई करके बना सकते हैं। सबके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिलहाल मेरे पास जो सब्जी आती है उससे मैं बना रहा हूँ। इसके लिए हमने एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें लहसुन, अदरक और बारीक कटे हुए मिर्ची के टुकड़े डाल देंगे। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम हल्का सा, 30 से 40 सेकेंड के लिए। जैसे ही हमारा अदरक, लहसुन और मिर्ची फ्राई हो जाएगा हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा प्याज कटा हुआ और मटर के दाने। इनको हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे तेज आंच पे, हल्का हल्का टॉस करते हुए फ्राई करें। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें फ्रोजन वाला कॉर्न और टमाटर के टुकड़े डाल देंगे और इसको 30 से 40 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। बस सब्जियों पे क्रंच रहना चाहिए। जब तेज़ आंच पे हम किसी भी सब्जी को फ्राई करते हैं तो उसमें अच्छा सा क्रंच बना रहता है। हल्के हाथों से इसको टॉस करते हुए फ्राई करें। जैसे ही सब्जी हमारी फ्राई हो जाएंगी हम इसको थोड़ा साइड में करेंगे और बीच में जगह बना के हम इसमें अपने अंडे तोड़ देंगे। ये आगे हमारे 2 अंडे, इनको अच्छे से मिक्स करें। जैसे ही अंडा जमने लगेगा हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। लगातार इसको चलाते रहें अंडे को। ये अंडा थोड़ा थोड़ा जमने लगा, अब हम इसको सब्जियों के साथ मिक्स कर देंगे। आँच को इस समय मीडियम रखें। जैसे ही अंडा पक जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने उबले हुए चावल। आप किसी भी चावल से बना सकते हैं, अगर बासमती है तो अच्छा लगेगा, नहीं है तो आप जो भी रेगुलर चावल यूज करते हैं उस चावल को यूज करें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक और काली मिर्च का पाउडर। इसको अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। चाइनीज खानों में टेस्प्लग चम्मच का यूज़ बहुत ही कम होता है, हमेशा इसको टॉस करके बनाया जाता है। इसको हमने मिक्स कर दिया है। साथ ही दे देंगे इसमें 1 चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच के करीब विनेगर। को अच्छे से मिक्स करेंगे सोया सॉस और विनेगर को। इस समय आँच को हम हाई फ्लेम पे कर देंगे। आँच को हाई फ्लेम पे करके हम इसको मिक्स कर देते हैं और अच्छे से, और हमारा फ्राइड राइस बन के तैयार है। फ्रेशनेस के लिए हम इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर देंगे। तैयार हो गया हमारा एक फ्राइड राइस। बहुत ही आसानी से रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबे पे या ठेले पे जो बनाते हैं सेम तरीके से। आइए इसको सर्व कर लेते हैं, एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो किट्टू टिफिन को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये इसको टेस्ट करें, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। थैंक यू।